नमस्कार दोस्तों, आपके इस चैनल स्पोर्ट वाले पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर आप सभी को स्पोर्ट से संबंधित जानकारियां मिलती हैं और साथ साथ आपको देखने को भी मिलता है इस पर। तो दोस्तों, आज हम चल रहे हैं देखने इंडिया विद न्यूजीलैंड। इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच होने जा रहा है, दो दो ओवर का खेल है। देखना होगा कौन सी टीम जीतती है या कौन सी टीम हारती है। जी हाँ, इंडिया की तरफ से ये इंडिया का 11 है। रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली और ऋषभ पंत, एमएस धोनी, भुवनेश्वर कुमार सब हैं पूरे। देखना होगा, पहले टॉस होगा। चलिए हम बॉलिंग का पहले चुनाव करते हैं। जसप्रीत बुमराह बॉलिंग का पहली बॉल डालेंगे। जसप्रीत बुमराह पहली बॉल, देखना होगा किस प्रकार से हिट करते हैं पहली बॉल को। मार्टिन कपटिल हैं स्ट्राइक पर। पहली बॉल जसप्रीत बुमराह 145 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पहली बॉल, बहुत बढ़िया गेंद, रूम नहीं दिया बल्लेबाज को। ऐसे बल्ले गेंदबाजी करनी होगी। पहली गेंद तो अच्छी रही। मार्टिन कपटिल ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको जल्दी करना, आउट करना बहुत ज़रूरी है। ये जल्दी आउट कर ले गए तो फिर कुछ हो सकता है इस मैच में, अन्यथा यही होगा जो हो रहा है। शानदार चेक, फोर रन जी नहीं, सिक्स नहीं, फोर रन, बहुत बढ़िया बैटिंग स्टार्ट कर दिया है बैटिंग मार्टिन कपटिल। ध्यान देना होगा बॉलिंग संभल कर करनी होगी, अन्यथा फिर पिटाई होगी। बल्लेबाज खतरनाक, पीछे ऋषभ पंत विकेट कीपिंग पर। ये अगली गेंद को भी उसी अंदाज में खेल दिया, 6 रन। बहुत बढ़िया बैटिंग मार्टिन कपटिल, तोड़ कर रख दिया है इनकी बॉलिंग को, बेकार एक प्रकार से साबित कर दिया है मार्टिन कपटिल ने। देखना होगा अगली गेंद को किस प्रकार से मार्टिन कपटिल। अगली गेंद पर भी वही होता हुआ, एक और सिक्स, लगातार सिक्सेस की तरकार तो यहाँ नहीं थी, लेकिन उसी अंदाज में खेल बैठे मार्टिन कपटिल। क्या होगा, हमको नहीं लगता है भारत इसमें कुछ कर सकेगा। हमको लग रहा है भारत के हाथ से मैच जा रहा है जिस अंदाज में बॉलिंग कर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया फील्डिंग फिलहाल, अन्यथा यहाँ भी चौके ही जाते। फील्डिंग बहुत बढ़िया कि अन्यथा यह भी 4 रन जाते। देखना होगा जसप्रीत बुमराह अगली गेंद। इस ओवर की संभवतः ये छठी गेंद, अंतिम गेंद होगी। अंतिम गेंद पर भी कोई रन नहीं। देखिए किस प्रकार से बॉल डाला है जसप्रीत बुमराह ने, लेग स्टंप के बाहर रखी है 3 गेंदे। फिलहाल अब अगली गेंद डालने के लिए तैयार होंगे जसप्रीत बुमराह। जी नहीं, अब अगली गेंद, अगला ओवर अब हम दे रहे हैं भुवनेश्वर कुमार को। देखना होगा भुवनेश्वर कुमार कितना रन रोक सकते हैं इस ओवर में, कितना बल्लेबाज को रोक कर रखेंगे। क्रिस मोरक्को म्यूनरो हैं, म्यूनरो क्रिस म्यूनरो बल्लेबाजी पर। क्रिस म्यूनरो को देखना होगा किस प्रकार से
रोक सकते हैं? जी नहीं, रोक नहीं पाएंगे। क्रिस मोनरो को रोकना मुश्किल। शानदार चौका, बहुत बढ़िया फोर रन। देखिए किस प्रकार से बॉलिंग की थी, उसका भरपाई क्या हुआ, किस प्रकार से वो गेंद को मारा। जी हाँ, अगली गेंद तैयार। अगली गेंद को देखना होगा किस प्रकार रखना चाहेंगे भुवनेश्वर कुमार। स्कोर बोर्ड लगातार आगे बढ़ता हुआ। न्यूजीलैंड 20 विकेट नुकसान के 1.1 ओवर के बाद, अब 20 नहीं अब 26 हुआ होगा स्कोर। जी नहीं, फील्डर मौजूद था, हमने सोचा तो 26 हुआ होगा लेकिन फील्डर मौजूद था। भुवनेश्वर कुमार को एक सफलता मिल गई है। अगली गेंद अब नए बल्लेबाज कप्तान केन विलियमसन आए हैं, लेकिन स्ट्राइक पर तो मार्टिन कपटिल हैं। देखना होगा, भुवनेश्वर कुमार को सफलता तो मिली है लेकिन सफलता को तो वो भुला देंगे मार्टिन कपटिल। एक और छक्का, मार्टिन कपटिल उस सफलता को भुला देंगे जो सफलता इंडिया को मिली है। हमको नहीं लग रहा है कि मैच में इंडिया वापसी कर पाएगी, क्योंकि गेंदबाजी में ही जब रन बन जाएंगे तो बल्लेबाज आंशिक रूप से उसी में रहेंगे कि रन बनाना है। गेंदें कम, रन ज़्यादा, तो फिर इंडिया के लिए मुश्किलें होंगी। देखिए किस प्रकार से बॉल डाला था, क्या शानदार शॉट मारा था मार्टिन कपटिल ने। गुड शॉट बाय मार्टिन कपटिल। नेक्स्ट डिलीवरी भुवनेश्वर कुमार टू मार्टिन कपटिल। नेक्स्ट डिलीवरी भुवनेश्वर कुमार टू मार्टिन कपटिल। देखना होगा किस प्रकार से मार्टिन कपटिल इस गेंद को हिट करते हैं। फील्डर मौजूद है जी, इस गेंद पर कोई रन नहीं, लेकिन मार्टिन कपटिल ने उतना रन अब तक लगा दिए हैं कि इंडिया के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। चेज नहीं कर पाएगी, हमको नहीं लगता है इंडिया चेज, क्योंकि बहुत तगड़ा रन है। इतना रन चेज करना इतना आसान नहीं होगा। फिलहाल दूसरी सफलता भी मिली है। तो देखिए, दो ओवर की बल्लेबाजी हुए, 30 रन पर 2 विकेट मार्टिन कपटिल ने बनाए, 26 रन 10 गेंदों में। वहीं क्रिस मॉरिस ने बनाए 4 रन। अब इंडिया साइड से 31 रन का लक्ष्य है इंडिया की। पहले रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी आ रही है मैदान पर। रोहित शर्मा और शिखर धवन, लक्ष्य है 31। शर्मा, जी नहीं, पहली गेंद, बढ़िया गेंद, क्या बॉलिंग स्टार्ट की है ट्रेंट बोल्ट ने, बढ़िया बॉलिंग, पहली गेंद को बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन दूसरी गेंद पर शानदार हिट रोहित शर्मा द्वारा, हिटमैन ने लगाया सिक्स, रोहित शर्मा ने जड़ दिया पावरफुल हिट सिक्स। क्या बात है, जरूरत भी उसी प्रकार है। इंडिया को यह जीतना है तो अन्यथा फिर इसी प्रकार हिट लगाया था। क्या बात है, बहुत बढ़िया हिट, बहुत बढ़िया सिक्स रन आए। कुल आप देख ही रहे हैं कि 94 मीटर लंबा छक्का ये लगा है। अगली गेंद ट्रेंट बोल्ट, एक बार फिर से अगली गेंद करने के लिए। ओ, अगली गेंद मिस करते हुए बीट हुए, अगली गेंद पर बीट हुए रोहित शर्मा। नहीं, अगली गेंद पर बीट जरूर हुए थे लेकिन अगली गेंद पर पहुंचा दिए हैं 6 रन के लिए एक बार फिर से रोहित शर्मा। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी स्टार्ट की बात तक। इंडिया टारगेट 31। देखना होगा इंडिया टारगेट को अचीव कर पाता है या एक और से। क्या बात, हिटमैन ने लगाया एक और सिक्स का।
आते हुए रोहित शर्मा फॉर्म में नजर आते हुए इस समय देखिए किस प्रकार से शॉट लगाया, इस प्रकार से बॉलिंग की, इस प्रकार से आगे बढ़कर मारा और ये शानदार तरीके से कुल मिलाकर पहुंची। आप देखिए कितना बड़ा लंबा छक्का लगाया है, 94 मीटर लंबा छक्का। जी हाँ, हिटमैन रोहित शर्मा। एक और सिक्स, गुड सिक्स बाय रोहित शर्मा एंड इंडियन स्कोर गो टू 24। गुड बैटिंग बाय रोहित शर्मा। देखिएगा किस प्रकार बॉलिंग की गई, लेग स्टंप के ठीक ऊपर रखा गया है गेंद, लेकिन सफलता तो नहीं मिली है। सफलता की तलाश जरूर कर रहे हैं इस समय शिखर धवन बैटिंग पर। शिखर धवन पहली गेंद, क्या पहली गेंद पर सिंगल मिल पाएगा, क्या आउट हैं? DRS स्क्रीन पर देखा जाएगा, रेफरल का उपयोग किया या रिव्यू दिया लिया गया है, क्या आउट है? यदि आउट होंगे यहाँ तो जैसा कि आउट ही नज़र आ रहा है, देखना होगा फाइनल डिसीजन क्या होता है, पेंडिंग में लगेगा फाइनल डिसीजन क्या होता है। आउट तो भारत को लगने वाली बहुत बड़ा झटका, क्योंकि जहां इंडिया लग रहा था कि आगे बढ़ रही है, वहीं एक झटका दे दिया है सऊदी ने, टॉम सऊदी। ओ, एक और विकेट जाता हुआ विराट, एक और विकेट गिर चुका है, क्योंकि रोहित शर्मा जिस फॉर्म में थे, लेकिन अब वो आउट हो गए हैं। अब यहाँ तो जड़ दिया है पावरफुल हिट, से सोना चाहिए जहाँ तक हमारा मानना है। जी हाँ, 6 रन, शानदार से 6 रन आते हुए भारत के 2 विकेट जरूर गए, लेकिन एक शानदार छक्का इसी भी। माती रायडू फॉर्म में नजर आते हुए एक और उठाया है माती रायडू ने, लेकिन फील्डर मौजूद है, एक और कैच लिया गया। शानदार तरीके से एक और कैच, तो इस प्रकार ये मैच ड्रॉ हो गया। इस मैच में रोहित शर्मा ने 24 रन बनाए, अंबाती रायडू ने 6 रन बनाए, टॉम सऊदी ने 6 विकेट 6 रन देकर 3 विकेट, और वहीं ट्रेंट बोल्ट ने 24 रन दिए। इस प्रकार मैच दोस्तों समाप्त हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी।